मोटेरा कांग्रेस कभी भी राज्य का रहनुमा नहीं कर सकता। इस छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी बघेल की सरकार ने कलंकित करने का काम किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सरल, सीधे और ईमानदार होते हैं। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, एक डैम बनाया ना इन्होंने ताकि हमारे किसान भाई दो फसल तीन फसल कर ले। जब अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया तो छत्तीसगढ़ का क्या हाल हो गया, अंदाज लगा सकते हैं। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी यहाँ पर मौजूद है। दो दिनों से छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं आप, दो दिन से छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आपको सरकार को लिख के खिलाफ? छत्तीसगढ़ की जनता पूरा उत्साहित है, किस लुटेरी कांग्रेस की सरकार, क्योंकि लुटेरा कांग्रेस कभी भी राज्य का रहनुमा नहीं कर सकता। और इस 5 वर्ष में जिस तरह की प्राकृतिक संसाधन इस राज्य के विकास में, इंडस्ट्री लगाने में, ताकि यहाँ की बेरोजगारी की समस्या हल हो, वो प्राकृतिक संसाधन सिंडिकेट के माध्यम से, चाहे कोयला हो, चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे रेत सिंडिकेट हो, चाहे कमीशन को, तो इस छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी बघेल की सरकार ने कलंकित करने का काम किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सरल, सीधे और ईमानदार होते हैं। तो इस जो कलंक छत्तीसगढ़ पर ये बघेल कांग्रेस ने लगाई है, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कंसेप्ट है, उस विरासत को फिर से स्थापित करने का काम। ये एक सवाल ये भी है कि असम के जो मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री को चुनौती दी थी कि अगर आप में दम है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मंदिर ले जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया, प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने कमेंट्स किया कि वो अपनी माँ के निधन पर सर नहीं मुड़वाए थे, मुंडन नहीं किए थे, उनको जाकर पहले सीखते हैं, इसको किस तरह से ले? व्यक्तिगत बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सर्वविदित है। देखिए, राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक है। भगवान राम पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन स्वयं कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में सरकार थी, राम सेतु पुल बनाने के समय सुप्रीम कोर्ट में इनके कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल ने भगवान राम पर प्रश्न चुनाव उठाते हुए एपिडेविट देने का काम, तो इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हमारे सनातन धर्म और भगवान के बारे कोई प्रश्न पूछे। ये किसानों की सरकार बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? किसानों की सरकार बोलते हैं, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, किसानों की सरकार है, एक छवि इनकी किसान के मुख्यमंत्री के रूप में, आप क्या देखते हैं दो दिन में, क्या नजर आया? जो मुख्यमंत्री जी अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र में किसान के लिए एक डैम नहीं बना पाया, तो कितनी किसान की, ये खाली बड़ा बड़ा लबर खाली टीवी विज्ञापन देकर, दीवार में फोटो खिंचाकर, जमीनी स्तर क्या पूछिए पाटन के जनता से? मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, एक डैम बनाया ना इन्होंने ताकि हमारे किसान भाई दो फसल तीन फसल कर ले। जब अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया तो छत्तीसगढ़ का क्या हाल हो गया, अंदाज लगा सकते? तो आपने सुना कि इन्होंने जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किसान की छवि है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि जिन्होंने अपने क्षेत्र में किसानों के लिए कुछ नहीं कहा, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, अपने क्षेत्र में डैम नहीं बनाया, वो किसान की बात करते हैं, तो इसका जवाब पाटन की जनता देगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भूपेश बघेल ने पाटन ही नहीं पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को कलंकित किया है, जो पूरे देश दुनिया छत्तीसगढ़ को सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ के रूप में जाने जाती है, अब वो घोटालों और भ्रष्टाचार के रूप में जानती है, इससे छत्तीसगढ़ शर्मसार है। कैमरा में लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 पाटन।